मौसमी संतरा आंवला खाएं और तेजी से खून बढ़ाएं। कुपोषण महिलाओं में होने वाली आम समस्या है, लेकिन इस स्थिति में अगर मां बना जाए तो अनीमिया यानी रक्त की कमी हो सकती है। हमारे देश में आयरन की कमी से महिलाओं में होने वाला अनीमिया 50% व गर्भवतियों में 80% तक है। लक्षण: चलते या काम करते समय जल्दी थकना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, बालों का गिरना, नाखून व त्वचा के रंग में परिवर्तन, भूख न लगना और चिड़चिड़ापन रहना। कारण: हरी पत्तेदार सब्जियां न खाना, किसी कारणवश शरीर से अधिक रक्तस्राव होना, खाने में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लेना, पर्याप्त मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड न लेना। डाइट हो ऐसी: मौसमी संतरा आंवला आदि खाएं, क्योंकि इनमें मौजूद विटामिन सी शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहें, क्योंकि इनसे आयरन की कमी होती है। इसमें उपस्थित एनी नामक पदार्थ शरीर द्वारा आयरन एब्जॉर्ब करने में बाधा उत्पन्न करता है। मौसमी संतरा आंवला खाएं और तेजी से खून बढ़ाएं। कुपोषण महिलाओं में होने वाली आम समस्या है, लेकिन इस स्थिति में अगर मां बना जाए तो अनीमिया यानी रक्त की कमी हो सकती है। हमारे देश में आयरन की कमी से महिलाओं में होने वाला अनीमिया 50% व गर्भवतियों में 80% तक है। लक्षण: चलते या काम करते समय जल्दी थकना, सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ, सिरदर्द, बालों का गिरना, नाखून व त्वचा के रंग में परिवर्तन, भूख न लगना और चिड़चिड़ापन रहना। कारण: हरी पत्तेदार सब्जियां न खाना, किसी कारणवश शरीर से अधिक रक्तस्राव होना, खाने में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में लेना, पर्याप्त मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड न लेना। डाइट हो ऐसी: मौसमी संतरा आंवला आदि खाएं, क्योंकि इनमें मौजूद विटामिन सी शरीर में आयरन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक आदि से दूर रहें, क्योंकि इनसे आयरन की कमी होती है। इसमें उपस्थित एनी नामक पदार्थ शरीर द्वारा आयरन एब्जॉर्ब करने में बाधा उत्पन्न करता है।